अरे गधो, वो उसका वेट होगा। अगर मास चाहिए तो वेट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दो, मतलब लगभग 4 kg होगा उसका मास। नया कमेंट आया है। अरे भाई वो ऐसा है ना, जब हम वेइंग मशीन पर वेट चेक करते हैं तब जो फोर्स हम उस वेइंग मशीन पर डालते हैं, मतलब हमारा वेट, उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और यही नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन मेजर करती है। तो मेरा वेट मशीन ने मेजर किया होगा लगभग 440 न्यूटन। लेकिन अब आता है ट्विस्ट, ये मशीन 440 न्यूटन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिवाइड करके स्क्रीन पर मास दिखाती है, क्योंकि इसको पहले से कैलिब्रेटेड यानी एडजस्ट किया जाता है। प्रैक्टिकल के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ये 500 ग्राम का ऑब्जेक्ट था और जब हमने इस मशीन को कैलिब्रेट किया तब वो उसे 4 किलो की दिखाने लगी। तो ऐसे ही मशीन कैलिब्रेटेड होती है। और यहाँ पर भी केजी लिखा है, और केजी किसका यूनिट है? मास का। खत्म।